हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना रसोई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बनी वेज रोल टिक्की। तो यहाँ पर हमने गेहूं का आटा ले लिया है 1.5 कप। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, ये ऑयल डाल दिया है हमने। अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन को हम थोड़ा क्रश कर लेते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे बॉयल पोटैटो। तो ये हमने 3 आलू ले लिया था बॉयल करके, आलू को हमने मैश कर लिया है, तो ये आलू हम इसमें डाल देते हैं। अब हम सबको मिला लेंगे आटे में, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो बना लेंगे। तो डो हमको जैसे पराठे के लिए डो बनाते हैं, वैसे ही डो बनाकर हमको रेडी करना है। तो चलिए डो पहले बना लेते हैं। तो ये डो हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम ढक देंगे, 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। ये शिमला मिर्च हैं, गाजर हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, और यहाँ पे बीट रूट हैं। इसको हमने ग्रेट कर लिया है और सबको बारीक काट लिया है। आप अपनी पसंद से यहाँ सब्जियाँ ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। तो टमाटर को हमने बीज हटा के काट लिया है। सारी सब्जियों को हम एक बाउल में डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे अब नमक। नमक डाल देते हैं, और इसमें हम डालेंगे ये अदरक। तो हम यहाँ पे मसाले वगैरह नहीं डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि हमने सब्जियों में यहाँ पे नमक डाल दिया है, तो सब्जियों को ज़्यादा देर तक हमको नहीं रखना है, हमको फटाफट इसकी टिक्की बना लेनी है। तो इस आटे को रखे हुए भी हमें 10 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा सा हाथों में तेल लगाएंगे और आटे को हम 1 मिनट तक ऐसे ही मसल लेंगे और सॉफ्ट बना लेंगे। तो अब हम आटे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आटे को हमें बेलना है रेक्टेंगल शेप में। तो यहां पर हम थोड़ा सा आयल लगा देते हैं ताकि आटा हमारा चिपके ना, और बेलन पे भी हम ऑयल लगा लेंगे। अब आटे को हम लोई बनाएंगे, ये जो हमने आटा लिया था, और इसको हम रेक्टेंगल शेप में बेलेंगे। तो हमें ज्यादा मोटा और ज्यादा पतला नहीं बनाना है आटा को। तो यहां पर हमने आटे को बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्टफिंग। तो चारों तरफ हम स्टफिंग को ऐसे फैला देंगे। तो एक चम्मच से चारों तरफ आटे में दबाते हुए हम इसको फैलाएंगे इस स्टफिंग को, ताकि आटे में अच्छे से सेट हो जाए। हमने सब्जियों में नमक डाला है, तो इसको हमें जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जियों से फिर पानी रिलीज होने लगेगा तो बनाने में दिक्कत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा हम ऐसे प्रेस कर देते हैं सब्जियों को। अब इसको हम रोल करेंगे। तो एक साइड से आटा को ऐसे उठाएंगे और ऐसे रोल करते जाएंगे, एकदम आसानी से ये रोल हो जाता है। और दूसरे साइड से ऐसे उठा के चिपका लेंगे।
अब हम आटे को हल्के हाथों से ऐसे बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। तो यहाँ पर हमने रोल कर लिया है, अब हम इसको कट करेंगे। तो बराबर बराबर भागों में हमें इसको कट कर लेना है। आप इस रोल को नाश्ते में खा सकते हैं चटनी के साथ, खाने में भी खा सकते हैं, अपनी मनपसंद सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं। तो ये नाश्ता और खाना दोनों ही हैं, तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। अब एक रोल को उठाएंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, प्रेस कर दिए। बाकी के भी रोल हम ऐसे ही बना लेंगे। बस ऐसे ही प्रेस करना है हमको। हमने सारे रोल्स बना लिए हैं यहाँ पर। अब हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। तो पैन चढ़ा लिया है, पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सेलो फ्राई कर रही हूँ। सेलो फ्राई करने से अच्छे क्रिस्प बनते हैं ये रोल, तो आप जैसे भी बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पर तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारे रोल ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तेल एकदम से ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल मीडियम गर्म रहना चाहिए। अब इसमें हम रोल को डालेंगे। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और सारे रोल को हम सिकने के लिए डाल देंगे। और इस रोल को हम धीमी फ्लेम पे ही 4 मिनट तक सिकने देंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ भी पलटकर सेक लेंगे। तो इसको सेकते हुए 4 मिनट हो गया है, अब इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए, कलर बहुत ही प्यारा आया है। सभी को हम ऐसे ही पलट लेंगे और इस तरफ भी हम ऐसे ही ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये टिक्की हमारी सिक चुकी है दोनों तरफ से। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये गेहूं के आटे से बनी वेज रोल टिक्की बनकर तैयार हैं। इसको आप चाहे नाश्ता में खाइए, चाहे खाना में खाइए, चटनी के साथ खाइए, या सब्जी के साथ, दाल के साथ भी खा सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर से बनाइएगा। मैंने हेमलिक चटनी ले ली है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।